नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनके ज्ञान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC मोबाइल बैंकिंग को आप कैसे लॉगिन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो HDFC का मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसमें आप कैसे लॉगिन कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जो है अब चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, आप कस्टमर आईडी और पासवर्ड डाल के जो है अपने मोबाइल बैंकिंग को जो है HDFC के मोबाइल बैंकिंग को यूज़ कर सकते थे, लॉगिन कर सकते थे, मगर अब जो है अब आपको अपना डिवाइस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप HDFC मोबाइल बैंकिंग को कैसे अपना लॉगिन कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, लाइक करके साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लेके आता रहता हूँ, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है प्ले स्टोर में HDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप ये आप जो है सर्च करोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जो इसके ऑफिशियल ऐप है वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। जब आप HDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप करोगे तो इसको आप जो है डाउनलोड कर लेना दोस्तों। तो इतना यहाँ देख सकते हो 4.3 रेटिंग मिली हुई है, 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ डाउनलोडिंग हो चुका है जो इसकी ऑफिशियल मोबाइल ऐप है ये। तो जैसे ही इसे ओपन करेंगे डाउनलोड करने के बाद तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर जो है सब कुछ को आपको लोकेशन ये सब अलाउ कर देना है, उसके बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है गाइडलाइन को भी एक्सेप्ट करना है आपको और कंटिन्यू कर देना है और अलाउ कर देना है आपका फ़ोटो मीडिया गैलरी वाला। फिर यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको इसको SMS मैसेज वाला भी आपको यहाँ अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर रजिस्टर योर डिवाइस में सबसे पहले आपको एंटर योर डिटेल डालनी है, यानी कि कस्टमर आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है। तो दोस्तों मोबाइल नंबर वही डाले जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, रजिस्टर है, और जो आपके मोबाइल में आपके जो मोबाइल फ़ोन में सिम जो है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे। जैसे आप कस्टमर आईडी और मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू कर दोगे तो आपके पास सेकेंड स्टेप में आपका OTP आएगा, OTP पे आप कंटिन्यू कर दोगे। जैसे आप OTP आ जाएगा तो थर्ड स्टेप में आपको जो है यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर का 4 अंकों का फर्स्ट में दिख रहा होगा और लास्ट 4 अंकों का आपको जो है डेबिट कार्ड नंबर दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर आपको जो है ATM पिन और एक्सपायरी डेट डेबिट कार्ड की और ईयर मंथ और ईयर लिखनी है आपको यहाँ पर। तो आप जो है ATM पिन डालोगे और फिर जो डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट है मंथ ईयर वो डाल के इसे सिंपल से कंटिन्यू कर दोगे। तो जैसे आप कंटिन्यू कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर डिवाइस इज नाउ रजिस्टर। तो यहाँ पर आपको सेट 4 डिजिट लॉगिन पिन एंड बायोमेट्रिक इसको आपको लॉगिन करना है। तो आप इसमें क्लिक करोगे लॉगिन विद कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड, तो यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपका न्यू 4 डिजिट लॉगिन पिन मिल जाएगा। तो लॉगिन पिन जब से आप इसे आपको खोलोगे तो ये लॉगिन पिन आपको डालना पड़ेगा, और अगर आप बायोमेट्रिक करोगे तो आप जो है थंब से भी खोल सकते हो। तो यहाँ पर जो है कन्फर्म करके लॉगिन पिन जो है आप सेट कर दोगे। जैसे सेट कर दोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये हो चुका है और मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली जो है लॉगिन पिन हमारा सेट हो चुका है, तो प्रोसेस टू मोबाइल बैंकिंग। जैसे आप इसे करोगे ओके, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले लॉगिन पिन मांगेगा और बायोमेट्रिक जो आपने दिया है वो मांगेगा। तो यहाँ पर आप जो है लॉगिन पिन से आप जो है लॉगिन कर लोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद जो है पूरा सेटअप आपका मोबाइल बैंकिंग का जो है दिख जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर सब कुछ आपको गाइडलाइन जो है दे रखी है। और यहाँ पर जो है मोबाइल HDFC बैंक के तरफ से जो SMS आएगा रियल SMS वो यहाँ पर शो हो रहा है, इस तरीके से SMS आएगा, और जो फेक होगा वो उस साइड से जो रेड में आपको दिखा रहे हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखा है, और क्लिक करते ही यहाँ पर आपका सारा कुछ होम और सेव आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका प्रोफाइल ये सब आ जाएगा, और यहाँ से आप बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र, ऐड मनी, आप UPI पेमेंट, रिचार्ज, और यहाँ से स्कैन एंड पे सब कुछ इस ऐप में आप कर सकते हो दोस्तों। तो HDFC का मोबाइल बैंकिंग ऐप के जो लॉगिन है वो इस तरीके से होता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो यह अमाउंट दिखा रहा है, तो ये जो है यहाँ से आप पे सेव यहाँ से कर सकते हो दोस्तों। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा शो हो जाएगा मोबाइल बैंकिंग। तो आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से जो है मोबाइल बैंकिंग ऐप को यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया होगा कि इस तरीके से आप जो है HDFC मोबाइल बैंकिंग के ऐप को लॉगिन कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को बनाना दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।